के नाम से जाने वाले ये फनकार अपने अंग अंग में समाये मेहनत के सच्चे जज्बों से फौलाद जैसी सख्त चीज को आज भी अपने इशारों पर चलाकर मनचाही अशिया बनाते हैं। मुख्तलिफ औजार बनाने के लिए खाम माल भी मुख्तलिफ होता है, लेकिन मुख्तलिफ शक्ल के लोहे के टुकड़ों के जरिए औजारों की तैयारी की जाती है। मसलन अगर आप छुरी बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए पतली कमानी या लोहे की मजबूत पट्टी की जरूरत होगी, जबकि छैनी वगैरह बनाने के लिए लोहे की सलाखें इस्तेमाल की जाती है, जिनको भट्टी में तपाकर भारी भरकम हथौड़ों से कूटकर छैनी की शक्ल दी जाती है। इसके अलावा लोहे के एंगल काटने के लिए चापन समेत दीगर चीजें भी इसी तरीकेकार के तहत तैयार की जाती है। लोहार का काम करने वाले बरसा बरस से नस्ल दर नस्ल इस हुनर का पालन कर रहे हैं। बाजार में लगी भट्टियों को सुलगाने के लिए कोयले इस्तेमाल किए जाते हैं और ब्लोअर के जरिए हवा यानी ऑक्सीजन दी जाती है, जिससे भट्टी का दर्जा हरारत मजीद बढ़ जाता है ताकि लोहा आसानी से पिघल सके। मुख्तलिफ औजार बनाने के लिए लोहे के टुकड़े को गर्म करने के बाद उस पर नोकीले औजार से निशान लगाए जाते हैं, फिर उसे भट्टी में इतनी देर तक रखा जाता है जब तक वो नरमी ना अख्तियार कर ले, फिर उसे ठोक पीट कर डिजाइन के मुताबिक काट लिया जाता है। ये पहली बात है, प्रेस की दाई, प्रेस की हाथ की नहीं है, प्रेस की, ऐसे प्रेस की, इसकी सेटिंग करके फिर प्रेस पे जब फिट कर देते तो एंगल इसमें छोटा हो बड़ा कैसा ही है, कई एंगल चला है। ये इसका ऊपर का ये औजार है जिसे कहते हैं नर्म मादा। ये आ गया, जब फिट हो गया अब इसने स्ट्रोक मारा, एक स्ट्रोक में ये काट देगा। अब किस साइज का भी उन्हें काटना है, फुट का, दो फुट का, पाँच फुट का, छः फुट का, बस इसका काम काटने का है। काटने के बाद में जब ये कट जाएगा तब इसके फ्रेम जोड़ते हैं, आपने देखा होगा फ्रेम जोड़ते हैं इसके, उसमें दो फुट का, ढाई फुट का, दस फुट का, जो मीलों में आपने देखा होगा कैंचियाँ डली हुई, कैंचियाँ डली हुई जो शेड डलते हैं तो ये उसके भी काम आता है। जो अपने आजकल ये लोहे के पुल बन रहे हैं उसमें भी काम में आता है, यानी कि एक काम में नहीं सैकड़ों कामों के अंदर एंगल आता है। लोहार ज्यादातर औजार यानी बोगदे, कैंची, छुरियां वगैरह बनाने के लिए गाड़ियों की छोटी बड़ी कमानियों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि छैनी, रेती और उस जैसे दीगर औजार बनाने के लिए लोहे की सख्त सलाखें इस्तेमाल की जाती हैं। लोहे के एंगल को काटने वाला यह औजार नर मादा कहलाता है, जिसकी मदद से सिर्फ एक जर्ब लगाकर एंगल को काटा जा सकता है। कैंची बोलते हैं इसको, चादर काटने, ये गर्म हो के पिटाई करते हैं, इसकी पूरा चौरस होता है, तो गर्म करके पिटाई करके गोल करते हैं पूरा, ये एक पीस में बना हुआ है, कमानी में से बनाते हैं हम। इसमें से छोटी कैंची होती है तो पतली कमानी में से बनती है, अगर बड़ी कैंची है तो मोटी कमानी में से बनती है। ये आखिरी सूरत जो है ना इसकी, ये आएगी, ये लुक आएगी इसकी, ये कैंची बनती है। जैसा कि अभी आपने देखा, ये वहाँ से इसको प्रेस करवाया है, ठीक है, ये तैयार करवा लिया, अब इसको ग्रेंड करना पड़ेगा रेती की शक्ल बनाने के लिए। टगाई कहलाती है ये, जैसे टगाई कहते हैं ना, नीचे के जो लगाते हैं अकेर के लाती है, ऊपर के जो लगाते हैं वो दुहेर के लाते हैं। ये नमक पारे की शक्ल इख्तियार हो जाती है इसकी और ये हो गई तैयार। ये मोहम्मद मुख्तार हैं, जो 1971 से लोहार का काम कर रहे हैं। इस वक्त ये खूंटे बना रहे हैं जो बकरीद के दिनों में लोग जानवर बांधने के लिए इस्तेमाल करेंगे और टेंट की रस्सियां बांधने के लिए भी। कैसे भी आम चलता है, बाकी बकरीद पे तो कुछ ज़्यादा चलता है, आम भी आम दिनों में भी चलता है ये, खाली खूंटे ये बकरे बांधने के काम नहीं आता, और भी कई चीज़ों के काम में आ जाता है, कोई रस्सी बांधनी है, कोई और चीज़ बांधनी है, किसी को कोई शामियाना लगाना है, किसी को पर्दा लगाना है। न्यूज देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।